जी मैकेनिक्स का सेकंड लेक्चर है, मूवमेंट ऑफ फोर्सेस नाम का। ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा मूवमेंट ऑफ फोर्स का बता देता हूँ कि क्या होती है, कैसे होती है। द मूवमेंट ऑफ फोर्स इज मेजर ऑफ इट्स टेंडेंसी टू काज अ बॉडी टू रोटेट अबाउट अ स्पेसिफिक पॉइंट और एक्सिस। मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है? मेजर है, ठीक हो गया, मतलब दैट इज अ मेजरमेंट। इट मीन्स दैट कि मोमेंट ऑफ फोर्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि मेजरमेंट ऑलवेज पॉजिटिव। जैसे डिस्टेंस पॉजिटिव होता है। ऑफ इट्स टेंडेंसी, टेंडेंसी मतलब रोटेट होना, टू काज अ बॉडी टू रोटेट, अगेन वही रोटेट आ गया। टेंडेंसी मतलब कैपेबिलिटी टू काज अ बॉडी टू रोटेट अबाउट अ स्पेसिफिक पॉइंट और एक्सिस, मतलब ये है कि एक मेजरमेंट है किसकी, फोर्स की, ठीक है, कि उस फोर्स के अंदर कितनी कैपेबिलिटी है कि वो एक बॉडी को रोटेट करा सके एक स्पेसिफिक पॉइंट के थ्रू। एज वी हैव दैट इज अ फिक्स पॉइंट, यहाँ पे जो हमने यहाँ पे पॉइंट बनाया हुआ है, ये हमारे पास क्या है, एक फिक्स पॉइंट है, और इस फिक्स पॉइंट में एक बॉडी है, उस बॉडी को हम मूव कराना चाह रहे हैं। सो हम क्या करते हैं, हम फोर्स लगाते हैं यहाँ पे, और उस फोर्स के बिहाइंड रिजल्टेंट में हमें क्या मिलता है कि ये जो बॉडी है, ये बॉडी रोटेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये रोटेशन जो है, जिस हम फोर्स लगाते हैं, दैट फोर्स इज क्लॉकवाइज, ठीक हो गया, और सेम उसी रेशो से ही उस बॉडी की पोजीशन जो है वो मूव करना स्टार्ट हो जाती है, और अपने ही एक्सिस के गिर्द वो मूव करना स्टार्ट करता है। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो है एंगल, कि हमने जो फोर्स लगा रहे हैं उस फोर्स का उस बॉडी के साथ एंगल कौन सा बन रहा है, फर्स्ट बात, ये इम्पोर्टेंट चीज है। उसके बाद है मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म क्या होता है? मोमेंट आर्म इज डिस्टेंस, किसका डिस्टेंस है, उस बॉडी का, और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का। यहाँ पे मैं नहीं बना सका है। तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या होता है कि जिस लाइन के गिर्द फोर्स एक्ट कर रही होती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जैसा कि ये मैंने बनाई हुई थी व्हाइट बोर्ड, जी ये हमारे पास एग्जांपल है स्पैनर की ना, स्पैनर जिसको हम उर्दू में रैंच का नाम देते हैं, ठीक हो गया। अब इसमें हम फोर्स लगा रहे हैं जी यहाँ पे, दैट इज फोर्स। अब फोर्स, अब पहले ये यहाँ पे है, फॉर एग्जांपल हमने फोर्स लगाई, फोर्स लगाने के बाद इसकी मूवमेंट कुछ ऐसे हो जाती है, दैट इज कॉल्ड, ये जो लाइन बन रही है दैट इज कॉल्ड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। और ये हमारे पास एक नट है, तो नट का जो सेंटर है, इसके सेंटर से लेके लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तक का जो डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड मोमेंट आर्म, ठीक हो गया। दैट इज अ फिक्स पॉइंट, और ये इसकी मेन पोजीशन है, ये फोर्स लगा रहे हैं हम, और ये हमारा क्या है, मोमेंट आर्म, मोमेंट दैट इज कॉल्ड मोमेंट। सो इस पूरी डेफिनेशन को हम एक और नाम भी देते हैं, दैट इज कॉल्ड टार्क, जिसको हम टार से डिनोट करते हैं, टार इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, ठीक हो गया, दैट इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड आर। जी सो दैट इज आवर टॉपिक, यू कैन सी हियर आल्सो दैट इज एग्जांपल ऑफ मोमेंट फोर्स। जी हम अगेन पढ़ लेते हैं, द मोमेंट ऑफ फोर्स इज मेजर ऑफ इट्स टेंडेंसी टू काज अ बॉडी टू रोटेट अबाउट अ स्पेसिफिक पॉइंट। दिस अकर्स एवरी टाइम अ फोर्स इज अप्लाइड सो दैट इट डजंट पास थ्रू द सेंट्रॉइड ऑफ द बॉडी।
ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है. अ मोमेंट इज ड्यू टू फोर्स नॉट हैविंग एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स डायरेक्टली अलोंग इट्स लाइन ऑफ एक्शन. लाइन ऑफ एक्शन का भी मैंने आपको बता दिया जी. अब हम आते हैं अपने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पे. ऑब्जेक्टिव वन है द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट ओ, ओ मीन ओरिजिन, इन द फिगर बिलो इज. अब हमने इसका मोमेंट ऑफ फोर्स यानी टॉर्क मालूम करना है, टा मालूम करना है हमने इसका. ठीक हो गया जी. अच्छा जी, अब हम देखते हैं, अब हम ऑब्जर्व करते हैं कि ये एक बॉडी है. ठीक है, इस बॉडी पे हम जहां पे फोर्स लग रही है दैट इज 5 किलो न्यूटन, दैट इज फोर्स, और हम मोमेंट ऑफ फोर्स यानी टॉर्क मालूम करना चाह रहे हैं. ठीक है, अब टॉर्क का फार्मूला होता है एफ क्रॉस आर, आर भी लिखा जाता है कहीं पे, डी लिखा जाता है. इस डायग्राम के मुताबिक इन्होंने डी लिखा हुआ है. तो व्हाट इज डी? डी का मैं आपको बता चुका हूँ कि फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से लेके उस पॉइंट की जो मेन पोजीशन है जिसके गिर्द वो घूम रहा है बॉडी, ठीक है जी, का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. तो उसकी जो मेजरमेंट है दैट इज कॉल्ड आर, या उसको हम डी का नाम लेते हैं. सो अब डी कैसे मेजर करना है? अगर मैं आपको यहाँ पे फिगर पे दिखाता हूँ तो डी आपका जो मेजरमेंट होना चाहिए डिस्टेंस, उसकी कंडीशन ये है कि उस बॉडी के मेन पॉइंट से और फोर्स के दरमियान में 90 का एंगल बन रहा हो, राइट एंगल बन रहा हो. सो देन वी कैन फाइंड डिस्टेंस दैट इज आर, दैट इज डी. सो 90 एंगल इज कंडीशन. बट हमारे पास जो डायग्राम है इसमें क्या है कि इस बॉडी का फोर्स के साथ जो एंगल बन रहा है दैट इज 45 डिग्री. ठीक हो गया, बट हमें एंगल कौन सा चाहिए? 90 डिग्री चाहिए. तो हम इसी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स को फॉलो करते हुए बैक साइड पे मूव करते हैं. तो इस पॉइंट पे हमारे पास एंगल जो बन रहा है वो 90 का बन रहा है. सो यहाँ से जो है हम डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे पहले, क्योंकि हमारे पास जो डी है वो मोमेंट ऑफ फोर्स में लाजमी है. फोर्स तो हमारे पास मौजूद है बट डी मौजूद नहीं है, तो हम डी को पहले फाइंड आउट कर लेंगे. ठीक हो गया. हाँ, उसने इस बॉडी की लेंथ दी हुई है. तो अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ मैं, देन हम देखते हैं कि हमारे पास ना एक ट्राइंगल बन रही है. इस ट्राइंगल में ये एक लाइन बन रही है जिस पे डी लिखा हुआ है, ये दूसरी साइड बन रही है और ये तीसरी साइड बन रही है. सो दैट इज अ ट्राइंगल. ठीक है, अब ट्राइंगल में क्या होता है, मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल बना लेता हूँ. दैट इज नॉट राइट राइट एंगल ट्राइंगल. सो अब बना लेते हैं ऐसे, ये ट्राइंगल बन रही है जी, सच टाइप ऑफ ट्राइंगल. सो यहाँ पे जो एंगल है वो क्या है, 90 का एंगल बन रहा है, दैट इज 90 डिग्री एंगल. ठीक हो गया, और यहाँ पे वो दूसरा एंगल बता रहा है दैट इज इक्वल टू 75 डिग्री. ठीक हो गया. अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ से इस पॉइंट की वैल्यू मालूम करनी है दैट इज डी. सो जस्ट रिमेम्बर, डी मालूम करने के लिए हमारे पास वी हैव टू एंगल्स एंड वन साइड, बट राइट एंगल ट्राइंगल है. तो राइट एंगल ट्राइंगल में अगर दो साइड्स गिवन हो तो हम मालूम कर सकते हैं थर्ड साइड, बट अगर एक साइड गिवन हो, अब हमें जैसे एक साइड गिवन है वो उसका उन्होंने लिखा हुआ है दैट इज 3 मीटर, ये वाली साइड जो डी की अपोजिट साइड है, मतलब जो हाइपोटेन्यूस है दैट इज 3 मीटर. ठीक हो गया. तो दूसरी साइड गिवन नहीं है, अगर एक और साइड भी गिवन होती देन हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं. अगर गिवन ना हो, मैंने कल भी बताया था कि इसके लिए मैंने रिकमेंड किया था आपको कि आप जो है फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 12 पढ़ें, तो वहां से आपको इस चीज का आइडिया हो जाएगा. तो अगर आपको सिर्फ एक साइड गिवन है और आपने दूसरी साइड मालूम करनी है और राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, ये याद रखिएगा राइट एंगल ट्राइंगल होनी लाजमी है इस कंडीशन के लिए, देन आप फार्मूला यूज कर लेते हैं जो आपने 9th में पढ़ा था, साइन थीटा का, कॉस थीटा का. तो जैसे कि हमारे पास साइन थीटा का फार्मूला होता है दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस. ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस दैट इज इक्वल टू साइन थीटा. सो एंगल हमने
कभी भी 90 पुट नहीं करना होता, हमने दूसरा एंगल पुट करने है, दैट इज इक्वल टू 75 डिग्री, सो हमारे पास बनेगा साइन 75 और इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर जो है हमारे पास वो डी है, दैट इज बेस, दैट इज परपेंडिकुलर एंड दैट इज हाइपोटेन्यूज, सो डी ओवर 3 ठीक हो गया। सो वी हैव साइन 75 इज इक्वल टू डी ओवर 3, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। सो वी हैव साइन एंगल, एंगल इज 75 डिग्री, दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, एंड परपेंडिकुलर इज आवर डी वी हैव टू फाइंड, एंड हाइपोटेनियस इज इक्वल टू 3। सो फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ डी वी हैव 3 sin 75। सो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो डी की वैल्यू जो हमारे पास आ जाती है, क्या आई थी मेरे पास, 2.91। ये हमारे पास तीसरी साइड आ जाती है जिसको दैट इज 2.91 जी। सो हमने मोमेंट आर्म फाइंड आउट कर लिया है, दैट इज कॉल्ड डी, जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और इसके दरमियान में डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड मूवमेंट आर्म। तो मूवमेंट आर्म को डी से डिनोट किया है, या आप इसको आर से भी डिनोट कर सकते हैं। कंडीशन क्या है इसको फाइंड करने की, कि इसका एंगल लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के साथ 90 का बन रहा हो, देन वी कैन फाइंड इट। याद रखें यहाँ पे एंगल 90 का होना लाजमी है, ठीक हो गया। तो अच्छा जी, अब इसमें जो मिस्टेक होती है, जो शायद मुझसे भी हुई थी, मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, वो ये है कि हम 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बिकॉज वी कैन थिंक दैट कि ये हमारे पास क्या है, मोमेंट आर्म है। मैं अगेन रिपीट कर दूँ, दैट इज नॉट अवर मोमेंट आर्म, अवर मोमेंट आर्म इज जस्ट डी। ये क्यों नहीं है, क्योंकि इसका एंगल फोर्स के साथ उसने खुद बना के दिया है आपको डायग्राम में ना, दैट इज 45 डिग्री। सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द मोमेंट आर्म व्हिच मेक्स एंगल ऑफ 90 डिग्री विद लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, आफ्टर दैट वी कैन सॉल्व इट। सो हमने फाइंड आउट कर लिया, दैट इज 2.91 डी एंड दैट इज एफ, सो वी कैन फाइंड द मोमेंट आर्म व्हिच इज इक्वल टू टा, वी कैन रिप्रेजेंट इट एज टा, and tau is called torque, F cross T. So we have F force that is equal to 5 and cross D is 2.91 and we get the answer that is equal to 14.55. Sorry. So that's our answer and we can see that our D option is correct. So can write it as that is a solution. जी. So इसे related और भी बहुत सारे MCQs से, but these are easy after understanding that. So मैं वो आपसे share करता हूँ जो आपकी self assessment होगा. Next objective पे आते हैं. Objective number 2. Forces P, 2P, 3P, 6P, 5P and 4P act respectively along the side A, B, C, B, C, D, E, D, E, F up to 4 of a regular hexagon of a side A. The sense of the forces being indicated by the order of the letters. 6 forces are equivalent to A. अब वो कहता है कि 6 forces हैं, उनको उसने नाम भी दे दिया P2, P3, P1 सब का ना, और साइड्स का नाम भी बता दिया। उसने ये भी कहा कि एक रेगुलर हेक्सागन की साइड्स हैं। इसके बाद वो कहता है कि द सेंस ऑफ फोर्सेस बीइंग इंडिकेटेड बाय द ऑर्डर ऑफ लेटर्स, उन्होंने कहा कि फोर्सेस की तरतीब जो है वो अल्फाबेट्स के ऑर्डर के मुताबिक है, फोर्सेस की तरतीब ठीक हो गया। और वो कहता है ये सारी फोर्सेस जो हैं मिल के टोटली ये किसके इक्वल है, आयशा आपका माइक ऑन है, माइक ऑफ कर लें प्लीज। आयशा आपका माइक ऑन है बेटा, थैंक यू। अच्छा तो जी हम कहाँ पे थे, हाँ तो हमने इन सब को ऐड करना है और हमने डिस्कस करना है
कि जी ये तमाम फोर्सेस मिलके क्या बनाती हैं, सिंगल फोर्स बनाती हैं या फोर्स एंड अ कपल बनाती हैं, या कपल बनाती हैं या कपल एंड टू फोर्सेस बनाती हैं। तो फोर्स का आपको आइडिया है, कपल का मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। कपल क्या है कि अ कपल इज अ सिस्टम ऑफ फोर्सेस, अब वो टू हो सकती हैं, थ्री हो सकती हैं, फोर हो सकती हैं, फाइव हो सकती हैं, विद रिजल्टेंट, जिसका जो रिजल्टेंट है या मूवमेंट कह लें, बट नो रिजल्टेंट फोर्स। मतलब ये है कि उसकी रिजल्टेंट फोर्स जो है वो जीरो हो, सिस्टम ऑफ फोर्सेस है। कहीं पे ये भी है कि ये अनलाइक पैरेलल फोर्सेस होती हैं और इनका सम अप जो है वो जीरो के इक्वल होता है। ठीक हो गया जी। सो अब हमने देखते हैं कि सबको अगर हम ऐड करते हैं तो वो क्या रिजल्ट देता है। तो सबसे पहले हम पहले देख लेते हैं व्हाट इज अ रेगुलर हेक्सागन। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा देता हूँ हेक्सागन से। हमारे पास एक फैमिली ऑफ हम कह सकते हैं उसको डायग्राम्स है जिसका नाम होता है पॉलीगॉन। मैं यहाँ पे चले लिखता जाता हूँ आपके इल्म में हो जाए। पॉलीगॉन, सो व्हाट इज अ पॉलीगॉन? पॉलीगॉन इज अ क्लोज्ड डायग्राम, अ क्लोज्ड डायग्राम क्लोज्ड डायग्राम हैविंग थ्री आर मोर साइड्स। तो पहले मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ आपको कि पॉलीगॉन क्या होता है। जैसे कि हमारे पास डिफरेंट टाइप की शेप्स होती हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन ड्रा सच टाइप ऑफ डायग्राम, दैट इज अ डायग्राम, बट दैट इज एन ओपन डायग्राम। सो दीज आर कॉल्ड ओपन। और उसके बाद होते हैं क्लोज डायग्राम, सच एज दैट इज अ क्लोज डायग्राम, इसकी साइड्स क्लोज हैं, दैट इज ऑल्सो क्लोज डायग्राम, दैट इज ऑल्सो क्लोज डायग्राम। सो पॉलीगॉन जो है वो एक क्लोज डायग्राम है हमारे पास। ठीक है, अब उसकी कंडीशंस क्या है कि एक पॉलीगॉन है जैसे कि, ठीक है, अब उसमें वो कहते हैं तीन साइड्स या तीन से ज्यादा भी होती हैं, यानी फोर भी हो सकती हैं, यानी हमारे पास फाइव भी हो सकती हैं, यानी हमारे पास सिक्स भी हो सकती हैं, एट भी हो सकती हैं, अप टू सो ऑन, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है। दीज ऑल आर कॉल्ड पॉलीगॉन। सो इन पॉलीगॉन फैमिली वी कैन सी दैट इफ वी हैव साइड्स थ्री साइड्स देन दैट टाइप ऑफ डायग्राम इज कॉल्ड ट्राइंगल, इसको हम ट्राइंगल का नाम देते हैं। अगर उसकी फोर साइड्स हैं दैट नेम एज क्वाड्रिलेटरल, जिसको हम फिलहाल क्यू से लिख रहे हैं क्वाड्रिलेटरल। इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं, अगर इसकी फैमिली है ट्रेपीजियम है, आइसोसेलस ट्रेपीजियम है, काइट है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, आइसोसेलस पैरेललोग्राम है, अप टू सो ऑन, बहुत सारी टाइप्स हैं इसकी। फाइव पेंटागॉन, सिक्स हेक्सागॉन। ठीक हो गया, अब जो हमारी बात यहाँ से स्टार्ट हुई, सिक्स इज हेक्सागॉन। अब हेक्सागॉन की भी टाइप्स हैं, उनमें एक टाइप है रेगुलर हेक्सागॉन। रेगुलर हेक्सागॉन क्या होती है? ऐसी पॉलीगॉन जिसकी सिक्स साइड्स हों एंड उन तमाम के दरमियान जो एंगल है वो बराबर हो। मेरी बात समझ आ रही है? रेगुलर हेक्सागॉन क्या है कि ऐसी हेक्सागॉन जिसमें तमाम साइड्स के दरमियान एंगल इक्वल हो। ठीक हो गया, पहली बात। और उनकी जो ओरिएंटेशन है वो भी एक तरतीब के साथ हो, एक अरेंजमेंट के साथ हो। ठीक हो गया, मैं आपको उसकी एग्जांपल दिखाता हूँ, या बल्कि इसकी डायग्राम हमने बनाई हुई है शायद। जी, सो सच टाइप ऑफ डायग्राम इज कॉल्ड अ रेगुलर हेक्सागॉन। अब आप देख सकते हैं कि अब एक साइड है, ये दो तीन चार पांच और छह, छह साइड्स हैं, क्लोज्ड हैं, क्लोज हैं, तो इट मीन्स दैट इज अ टाइप ऑफ पॉलीगॉन, एंड सिक्स साइड्स हैं, तो दैट इज अ हेक्सागॉन। और आप देख सकते हैं कि एक साइड का दूसरी साइड के साथ जो एंगल है दैट इज इक्वल, और इस वजह से इसको हम रेगुलर हेक्सागॉन का नाम देते हैं। ठीक हो गया जी। अब इसमें क्या है, उसने कहा कि फोर्सेज हैं हमारे पास, ए बी पे फोर्स पी है, बी सी पे फोर्स, ये नाम है, तो उस हिसाब से डायग्राम बनी हुई है। अब हमने
जस्ट ये बताना है कि इन तमाम फोर्सेस को अगर हम ऐड करेंगे तो रिजल्ट जो आता है वो हमें क्या बताता है कि ये एक फोर्स है टोटल मिला के, ये दो फोर्सेस हैं, ये कपल है, या एक फोर्स और कपल है, या दो फोर्सेस और कपल है। तो हमने ये चीज इन्वेंट करनी है, ये चीज देखनी है। जी, अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमारे पास यहाँ पे तीन फोर्सेस हैं मेरे ख्याल में। पहली फोर्स अगर आप देखें ए से लेके बी तक, तो इसकी डायरेक्शन क्या है? फॉरवर्ड है, ठीक हो गया। और दूसरी फोर्स अगर आप देखें ई से लेके डी तक, इसकी डायरेक्शन भी क्या है? फॉरवर्ड है। ए से बी ये भी फॉरवर्ड है, ये भी फॉरवर्ड है। अगर ये सेम हैं तो इट मीन्स दैट वी कैन ऐड बोथ ऑफ दीज, ए बी प्लस ई डी, सो दैट वी टोटल हैव 6p प्लस पी, सो इट मीन्स दैट वी हैव 7p। सो हमारे पास एक फोर्स ये बन गई दैट इज इक्वल टू 7p, और ये फोर्स कौन सी है जो कि फॉरवर्ड मूव कर रही है, ऐसे मूव कर रही है हमारे पास। जी, नेक्स्ट फोर्स में मूव करते हैं, वी हैव बी सी दैट मूव्स डाउनवर्ड, एंड कैन यू सी दैट हमारे पास जो ई एफ फोर्स है दैट इज ऑल्सो मूव्स डाउनवर्ड, एंड दे हैव सेम स्लोप, सेम एंगल। सो इट मीन्स दैट दीज फोर्सेज वी कैन ऐड ई एफ एंड बी सी। तो ई एफ जो है वो है 5p, और बी सी जो है ये है 2p। सो इसका रिजल्टेंट भी हमारे पास क्या आता है? 7p आता है, ठीक हो गया। और इस फोर्स की जो मोमेंट है, मैं इसको चलो एक और एरो से डिनोट कर देता हूँ, इस फोर्स की मोमेंट जो है वो डाउनवर्ड है। जी, अब हम ये फोर्स हो गई हमारे पास, ये हो गई, ये आपस में इक्वल थी, और ये आपस में इक्वल थी। हम इन दोनों को देखते हैं जी, दैट मूव्स अपवर्ड, दैट आल्सो मूव्स अपवर्ड, दैट इज 4p एंड दैट इज 3p, दैट इज आल्सो इक्वल टू 7p। एंड हम ऑब्जर्व कर रहे थे कि ये तीन फोर्सेस मैंने जैसे आपको बताया ना, और अब ये वाली जो फोर्स है ये मूव कर रही है डाउन अपवर्ड। सो हमारे पास तीन फोर्सेस हैं, एक फोर्स फॉरवर्ड मूव कर रही है, एक डाउनवर्ड मूव कर रही है, एक अपवर्ड मूव कर रही है, ठीक है। और उन तमाम फोर्सेस का जो सम है वो इक्वल है, 7p 7p एंड 7p, ठीक हो गया। अब हमने मालूम करना है कि इनका मोमेंट क्या है, ठीक है। अब मोमेंट के लिए जो है हमारे पास, हम देखते हैं उसका एक्स कंपोनेंट्स कैसे फाइंड करने हैं, वाई कंपोनेंट कैसे फाइंड करने हैं, क्योंकि हमने रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है जैसे हमने कल क्वेश्चन किया था। तो जस्ट वेट प्लीज, जी स्टाफ फॉर इंटरफेरेंस, सॉरी फॉर इंटरफेरेंस। अच्छा जी, तो रिजल्टेंट निकालने हैं, रिजल्टेंट के लिए कल हमने डिस्कशन की थी, रिजल्टेंट के लिए हमारे पास एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट करेंगे पहले हम, देन वी कैन फाइंड एफ ऑफ वाई, एंड देन वी ऐड बोथ ऑफ दीज, और तो हमारे पास रिजल्टेंट आ जाता है। जी, तो एफ ऑफ एक्स के लिए हमारे पास था फोर्स और एंगल, कास थीटा, एफ कास थीटा हमने इसको नाम दिया था। अब फोर्सेज अगर ज्यादा थी तो हमने एफ वन कास थीटा वन का नाम दिया था, और फोर्सेज अगर एक हो तो एफ कास थीटा ही हम बोलते हैं, एफ कास थीटा वन प्लस एफ कास थीटा टू एंड प्लस एफ कास थीटा थ्री। दैट इज एफ कॉस थ्री। अब जैसे कल हमें इशू हुआ कि हमारे पास जो एंगल्स हैं वो कैसे हमने फाइंड आउट किए, तो यहाँ पे भी सेम वही इशू क्रिएट हो सकता है कि हमने एंगल कैसे फाइंड आउट किए हैं। सो उसके लिए थोड़ा सा आपने एक्टिव होके बैठना है कि हमारे पास जो एंगल्स हैं वो कैसे बनेंगे, कहाँ से बनते हैं। जी, अब अगर हम थ्री फोर्सेस को देखते हैं, हम मैं इसको एक्स एक्सिस का नाम दे देता हूँ जी, इसको मैंने एक्स एक्सिस का नाम दे दिया, ये जो हमारे पास लाइन जा रही है जी, ठीक हो गया। अब इस
के मुताबिक जो हमारे पास ये वाली फोर्स है जो कि अपवर्ड मूव कर रही है, इसका एंगल तो हमारे पास आ जाता है 120। ठीक हो गया, अब एक फोर्स का एंगल हमारे पास आ गया 120 जो डाउनवर्ड मूव कर रही है। ठीक है जी, मैंने कल एक बात बताई थी, मैं अगेन रिपीट कर दूं कि एंगल हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग लेना है। ठीक हो गया, तो ये एंगल 120 बन गया एक फोर्स का, दूसरी फोर्स डाउनवर्ड है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और यहाँ तक हमने मूव करना है। अब हमें पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो है दैट इज 120, और इनके दरमियान एंगल सेम था। अगर ये वाला 120 है तो अगर हम आउटसाइड देखें तो दैट इज आल्सो 120। ठीक हो गया, ये भी हमारे पास जो एंगल बनता है ये भी 120 बनता है। एंड इन अ सर्कल वी हैव टोटल एंगल विच इज 360। अब 120 ये है, 120 ये है, 240, तो बाकी जो रिमेनिंग है वो अंतर वाली, ये जो एंगल बन रहा है दैट इज आल्सो 120। इसको मैं रेड से यहाँ पे लिख रहा हूँ। सो यहाँ से लेके यानी इनिशियल पॉइंट, यहाँ अगर इसको हमने बनाया हुआ है तो यहाँ से यहाँ तक 120 था, यहाँ से यहाँ तक आल्सो 120 है। सो ये टोटल एंगल जो बन रहा है दैट इज इक्वल टू 240। ये हमारे पास एंगल, सॉरी, दैट इज 240। सो पहला एंगल 120 है, जो अपवर्ड्स फोर्स जा रही है, जो डाउनवर्ड फोर्स जा रही है दैट इज इक्वल टू 240। अब तीसरी फोर्स बच गई दैट इज मूविंग फॉरवर्ड। अब अगर इसको हम यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है, ये फॉरवर्ड ही जा रही है तो इसको हम बैकवर्ड नहीं लेके जा सकते, जैसे कि कल अब हमारे पास फोर्स ऐसे जा रही थी। ठीक है, और तो उसको हमने मजीद आगे कर दिया था और एक्स एक्सिस के साथ उसका एंगल हमने 180 बना लिया था। ठीक हो गया, इसके साथ हम 180 नहीं बना सकते। वाई, क्या रीजन है इसके बिहाइंड, कि हमारे पास ये फोर्स आगे की तरफ मूव कर रही है, तो अगर हम इसको बैक साइड मूव कराते हैं हाँ दैट इज नॉट करेक्ट। माइक ऑन है किसी का? जी आयशा बेटा, आपका माइक ऑन है, माइक ऑफ कर दें प्लीज। थैंक यू। तो इट मीन्स दैट कि यहाँ पे जो एंगल बनेगा एक्स के साथ वो जीरो के इक्वल होगा। ठीक हो गया, सो वी हैव थ्री एंगल्स। पहला एंगल जो आपके पास है दैट इज जीरो, मतलब 120। मैं इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ, पहले एक्स कंपोनेंट मालूम कर लेते हैं हम, उसके बाद वाई कंपोनेंट, देन जी कंपोनेंट। जी, फोर्स एफ वन, फोर्सेस सारी जो हैं वो हमने कंप्लीट की हैं, दे आर 7p एंड कॉस थीटा वन। पहला एंगल हमारे पास बना 120। अच्छा जी, फोर्स सेकेंड भी 7p के इक्वल है, हमने उनका रिजल्ट निकाला था। और कॉस थीटा टू जो दूसरा एंगल बना वो बना 240। और F3 ये फोर्स भी 7p के इक्वल है, और जो हमारे पास तीसरा एंगल बना दैट इज इक्वल टू जीरो। ठीक हो गया, जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास कॉस जीरो जो है ये 1 के इक्वल आता है। मैं चलें जी रिजल्ट लिख लेते हैं, 7p और कॉस जो 120 है इसका आंसर आता है -1/2, -1/2 -1/2, सेम एज जो कॉस 240 है इसका आंसर भी सेम एज हमारे पास -1/2 आ जाता है, -1/2। और कॉस जीरो आपको ऑलरेडी पता है कि दैट इज इक्वल टू 1। जब हम उनको ऐड करते हैं दैट इज -1, दैट इज +1। सो हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स है उसका आंसर जीरो आ जाता है। मैं इसको सिंपली एक्स लिख देता हूँ। सो एफ ऑफ वाई कंपोनेंट जो है उसका फार्मूला आपको याद है कि F1 sin θ1, F2 sin θ2, F3 sin θ3, और F3 FY जो अगर हम मालूम करते हैं तो उसका आंसर भी हमारे पास जीरो आ जाता है। सो रिजल्टेंट जो है वो इक्वल होता है एक्स कंपोनेंट का स्केयर प्लस वाई कंपोनेंट का स्केयर ओवर स्केयर रूट। तो जीरो है दोनों फोर्सेस, तो रिजल्टेंट भी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो इट मीन्स दैट कि अगर हमारे पास छह फोर्सेस थी, उन सारी की सारी फोर्सेस को हमने ऐड किया है, तो ऐड करने के बाद रिजल्टेंट जीरो आया है, देन इट मीन्स दैट दे मेक अ कपल, कि वो सारी फोर्सेस जो हैं वो आपस में कपल बना रही हैं, कोई फोर्स भी ऐसी नहीं है जो सिंगलेटन हो। और वैसे ये ऑप्शन तो बनता ही नहीं था ना कि कोई सिंगल फोर्स बचेगी, दो फोर्सेस बच जाती, ठीक है, जो कपल ना होती, या फिर
सारी कपल ना होती, लेकिन एक नहीं बचेगी क्योंकि छह हैं तो पेयर तो बनेगा ही बनेगा। अगर दो फोर्सेस कपल होती तो दो उनके साथ अटैच हो जाती, चार बन जाती, तो टू फोर्सेस और एक कपल, ये ऑप्शन था हमारे पास, और या सारी वैल्यूज जो है वो कपल है, ठीक हो गया। तो दूसरी डेफिनेशन भी जैसे मैंने बताई थी कि दे आर अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, तो आप देख सकते हैं कि अगर 3P है इसी तरह 4P है, ये पैरेलल फोर्सेस चल रही हैं, ठीक है। इसी तरह 6P और P ये भी पैरेलल फोर्सेस चल रही हैं, 5P और 2P ये भी क्या है, पैरेलल फोर्सेस चल रही हैं, बट दे आर अनलाइक। सो और इनके रिजल्टेंट ने भी प्रूव कर दिया कि दीज फोर्सेस आर अ कपल, ठीक हो गया। अब मैं ये डायग्राम भी डाल देता हूँ और इसकी जो कैलकुलेशन है ये भी डाल देता हूँ ताकि आपको आसानी रहे समझने में। तो इसका आंसर आएगा जस्ट अ कपल, ये हमारे पास एक कपल फोर्स बनाती है, फोर्स जो है कपल बनाती है। इसमें डायग्राम भी ऐड कर देते हैं हम, जी ठीक हो गया। लास्ट ऑब्जेक्टिव पे आते हैं, द लीनियर मोमेंट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ऑफ मैसेज 1 ग्राम, 2 ग्राम एंड 3 ग्राम रिस्पेक्टिवली प्लेस एट द पॉइंट्स 2i+j, -3j एंड i+j इज, वो कहते हैं लीनियर मोमेंट आपने फाइंड आउट करना है, और उसमें जो है आपके पास ओरिजिन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, और जो आपके मासेज हैं वो ये हैं 1, 2 एंड 3, और वो उनके जो पॉइंट्स हैं वो लिखे हुए हैं 2i+j एंड दैट etc। सो मोमेंट का फार्मूला आपको पता है, मोमेंट इज इक्वल टू मैस एंड वेलोसिटी। मैस गिवन है 1, 2, 3 एंड दैट इज वेलोसिटी 1, 2 एंड 3, ये मतलब वेलोसिटी कंपोनेंट्स हैं। तो 1 को आपने मल्टीप्लाई करना है 2i+j के साथ, 2 को मल्टीप्लाई करना है -3j के साथ, एंड 3g को मल्टीप्लाई करना है 3 को i+j के साथ। देन आप ऐड कर देते हैं, तो आफ्टर एडिशन वी गेट आंसर 5i-2j। ये इजी है, तो इसलिए फिर जस्ट आपने क्या करना है, मैथ्स को उसके कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कर देना है और देन ऐड कर देना है, सो दैट इज लीनियर मोमेंटम ऑफ 3 फोर्सेस। जी आई होप सो कि आज का लेक्चर समझ आ गया होगा, और एनी क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं, 1 मिनट बाकी है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर है तो शायद दोबारा मीटिंग ना हो सके।